तारिणी राजपूत, एग्जाम्स खत्म हो गए, कैसा लग रहा है? तुझे कितनी बार बोला है ना, तारिणी का ता और राजपूत का रा, तारा बोला कर तारा, समझी? हाँ मेरी माँ, ठीक है, ये तो बता एग्जाम्स कैसे हुए? हाँ यार, फाइनली चैन की सांस आई और एग्जाम्स खत्म हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। यार इतनी भी चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं है, असली दंगे तो अब होंगे, कोई बोलेगा साइंस ले लो, कोई बोलेगा कॉमर्स ले लो। दंगे ना तेरे घर में होंगे, मेरी मम्मी तो बड़ी प्यारी है, मैंने तो मम्मी को बोल दिया कि आर्ट्स लूंगी और टीचर बनूंगी, मम्मी बहुत खुश है। तेरी मम्मी तो सच में बहुत स्वीट है यार, काश मेरी भी मम्मी वही होती। चल मेरा घर आ गया, मैं जा रही हूँ, और शाम को पार्क में ना रस्सी लाना मत भूलना, ठीक है? ओके बाय बाय। नहीं भाग सकती, समझी? चल अब बाय। बहुत लेट करा दिया, सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। ब्रेड, आज मटर पनीर खाने का मन हो रहा है, शाम को वही बनाऊंगी। ब्रेड 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 बोला फिर से ठीक करा देने के लिए, कुछ नहीं कराती रणकी। मम्मी बोलेंगी ना वैसा करना, ठीक है? चल चलो मेरे साथ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, तारा बेटा जल्दी अंदर घुस जाओ। मम्मी चुप चुप अंदर अंदर। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? गुलाबो, अरे ओ गुलाबो, अरे कब तक भागेगी मुझसे हैं? तारा बेटा जब तक मम्मी बोली नहीं बाहर मत आना, ठीक है? तुम्हें मेरी कसम। अरे कब तक भागेगी मुझसे हैं? अच्छा यहाँ बस ये चुप रहना, कुछ मत बोलना। तू क्या सोची मुझसे बच जाएगी हा? मुझे तो मजा आता है।
लगी तू? शाम को आती हूँ, आपकी तब मैं मेडिसिन दे दूँ? नहीं, इट्स ओके। मामा जी बोलोगे ये सब झूठ है,
मामी झूठ बोल रही थी ना, ये मेरी मम्मी है ना और आप मेरे मामा हो ना, प्लीज मामा जी बोलो ना प्लीज, ये सब झूठ है ना, मामी ने झूठ बोला ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तारा ये तेरी मम्मी नहीं है और ना ही मैं तेरा असली मामा, तेरी मामी सच बोल रही है। क्या कर रही है? अरे आप रहने दो, अब मेरे को देखने दो। क्या देखना है तुम्हें? चल, नहीं अरे निकल तुम्हारे घर से, चल। ये पकड़ अपना बस्ता। सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो माँ है, क्योंकि वही एक है जो आपको किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ती। मेरी माँ का नाम शकुंतला है और आज वो मेरे पास नहीं है, उनकी बस कुछ यादें हैं, काश वो एक बार आके गले लगा पाती और बोलती तेरे साथ। तू इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गई? मैंने तो भी तुझे चौक पे देखा था। चौक पे? मैं तो घर पे ही हूँ। वैसे भी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो जल्दी आ गई मैं। पर तुझे पता है वो बंदी बिल्कुल तेरे जैसी थी, एकदम डिट्टो कॉपी। खैर छोड़, ये देख मैं क्या लाई हूँ, मटर। अब तू जाके जल्दी से स्वाद सब मटर पनीर बना दे और मैं रोटी बना देती हूँ। ये अच्छा है। कमाई हुई आज? खुद ही देख ले। सही है बॉस, सही जा रही है तू। और अगला लोकेशन चलो। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब तारा अपनी जुड़वा बहन जुगनी से मिलेगी, और क्या वो कभी अपनी असली माँ से मिल पाएगी और अपनी पहचान बना पाएगी? इसी एपिसोड के साथ आगे आने वाले एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार दो और कमेंट सेशन में #तारा भी लिख देना। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस अब हम मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।